हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके एवरीडे। तो आज मैं आपको बताऊंगी जीके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मई से लेके 10 जून तक के, जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये हाल में ही मनाया गया है, एक मई। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो है ना, उसमें क्या हुआ है, विश्व में क्या हुआ है कि 3.3 बिलियन से 2 बिलियन क्या हो गए हैं श्रमिक असंगठित रूप से प्रवास कर चुके हैं कोविड-19 की वजह से। तो जो श्रमिक जो है ना, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक, उसका क्या है, एक तरह से खतरा हो रहा है कि कारखानों में काम के लिए श्रमिक नहीं मिल पा रहे हैं इस वजह से। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, हाल में किस राज्य सरकार ने कार व जीप जैसे सरकारी वाहनों की खरीद पर साल भर के लिए बैन लगा दिया है? तो साल भर के लिए जो बैन लगाया है वो हरियाणा की सरकार ने लगाया है। हरियाणा की सरकार ने लगाया और इसमें क्या हुआ था, कैबिनेट में बैठक हुई थी इसमें। तो बैठक में क्या हुआ था, मंत्रिमंडल तथा मुख्यमंत्री थे। तो मुख्यमंत्री का क्या नाम है, कौन थे, मैं आपको बताती हूँ। मनोहर लाल जी थे मुख्यमंत्री, और मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई थी कैबिनेट में, तो उसमें क्या गया था कि जीप पे कार पे तो बैन लगा दिया कि कोई खरीद ना सके अभी, क्योंकि कोविड-19 में क्या हुआ है, प्रदूषण भी रुका था लॉकडाउन से पहले, मतलब लॉकडाउन जब हुआ था तो प्रदूषण ज्यादा ना बढ़े। और इसमें क्या किया गया, ओनली आपातकालीन जो सुरक्षा है, जो सेवाएं दी जाती है, उसमें एम्बुलेंस वगैरह और जो सैनिक जो शक्तियां होती है सैनिकों को, मतलब गाड़ी चलाने का आदेश दिया गया है, बाकी किसी को नहीं दिया गया है। जीप या कार स्पेशली नहीं चलाई जाएगी हरियाणा में भी, साल भर के लिए बैन है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ाई के यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जरिए किस देश को 23 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो अमेरिका ने इसमें जो एजेंसी का हुआ है, यूएस की जो एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट में, भारत देश ऐसा है जिसको 23 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। और इसके बाद अमेरिका ने 64 देशों की मदद के लिए कितने पैसे दिए हैं, 1,302 करोड़ रुपए भी दिए हैं अमेरिका देश ने। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस देश को 2021 विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी दी गई है? तो दोस्तों, ये जो मेजबानी दी जाने वाली थी, वैसे तो भारत देश को दी जाने वाली थी, पर ये मिली है सर्बिया देश, जो कि उत्तर पूर्वी यूरोप में स्थित है, जो कि चारों तरफ फैला हुआ है। सर्बिया देश बहुत ज्यादा फेमस देश है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया खेल 1962 की स्वर्ण पदक विजेता, जो कि टीम के कप्तान थे रहे हैं, वो भारत के किस महान पूर्व फुटबॉलर व क्रिकेटर, हाल में दिल के दौरे से उनका निधन हुआ? तो ये जो फुटबॉलर और क्रिकेटर दोनों ही थे, और जो क्रिकेटर थे वो बंगाल की टीम की, बंगाल से थे ये, टीम की तरफ से थे बंगाल में, और इनका निधन कहाँ हुआ है, कोलकाता में हुआ है इनका निधन। और इनका नाम मैं आपको बताती हूँ,
चुन्नी गोस्वामी जी हैं जिनका 82 वर्ष में निधन हो गया है। कब हुआ है? 1 मई को ही हुआ है इनका निधन, अभी हाल में ही। तो ये क्या थे? फुटबॉलर व क्रिकेटर दोनों ही थे, कप्तान थे उसके, बहुत फेमस भी माना जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में किसको दिया गया। तो ये दिया गया था, दो जनों को दिया गया था ये। अमित पंघाल व विकास विकास कृष्णन व अमित पंघाल को दिया गया था, जिसमें क्या होता है, अमित पंघाल जो थे वह रजत पदक से 2019 में नवाजे गए थे, मतलब इनको रजत पदक भी मिल चुका है किसमें, बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। उसके बाद में अब ये 3 जून को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं ये दोनों। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन है नसर्ग क्या है। तो नसर्ग क्या है, तो ये क्या है, अरब सागर है ना, जो अरब सागर से उठा, अरब सागर से उठा एक चक्रवाती तूफान है। ठीक है, और ये तूफान जो उठा था इतना भयंकर था कि दो राज्यों को इसका सामना करना पड़ा। वो राज्य कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, ऐसे दो राज्य जिनको सामना करना पड़ा था। और ये नसर्ग जो नाम दिया गया है वो किस देश ने दिया है, मतलब तो ये बांग्लादेश ने दिया है इसका नाम नसर्ग। और इसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, नसर्ग नाम जो कि भारत ने, पाकिस्तान ने और म्यांमार, मालदीव, इन सब ने इसको अरब सागर में उठने वाले चक्रवर्ती जो तूफान है उसका नाम क्या दे दिया, नसर्ग दे दिया गया इसके बाद में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोना से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है। तो COVID-19 से मुक्त होने वाला पहला देश है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड है पहला कोरोना से, COVID-19 से मुक्त होने वाला देश है। इसमें क्या हुआ था कि न्यूजीलैंड में 15 दिन से, मतलब कि 1 जून से कोई भी कोविड का मामला नहीं मिला है, कोविड से संक्रमित मामला नहीं मिला है, इसलिए पहला देश बना। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व महासागरीय दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व महासागरीय दिवस जो मनाया जाता है वो 8 जून को मनाया जाता है विश्व महासागरीय दिवस। तो इसकी जो हर साल क्या होती है, मतलब इसकी थीम रहती है, तो इस बार जो थीम रही है वह ये कहा गया था, इसमें ये कहा गया कि महासागर के लिए जागरूकता की थीम रखी गई कि सागर, महासागर हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट रहते हैं। 8 जून को मनाया गया था ये, जो कि हाल ही में अभी मनाया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है हाल में ही, ये मनाया गया है 7 जून को मनाया गया है खाद्य सुरक्षा दिवस। और इस खाद्य सुरक्षा दिवस जो मनाया गया है, इसकी थीम जो थी ना वो रही है कि सुरक्षा, खाद्य की सुरक्षा के लिए इसको जागरूक
किया गया, मतलब इस थीम के जरिए जो सबको लोगों को पहुंचाया गया ना कि जागरूकता के लिए किया गया कि खाद्य सुरक्षा का मतलब इसकी सुरक्षा करें, इसका उपयोग सदुपयोग करें सबसे ज्यादा। तो उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया, किसने आयोजित किया। तो जो वर्चुअल शिखर सम्मेलन था वो अंतर्राष्ट्रीय टीका टीका गठबंधन टीका गठबंधन था जो कि अंतर्राष्ट्रीय टीका गठबंधन जो था वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन जो कि गावी में हुआ है, इसका गठबंधन हुआ है और 2020 में इसका गठबंधन हुआ है, मतलब कि 10 जून को इसका गठबंधन हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था कि सबको है ना COVID-19 के तहत मतलब टीकाकरण की व्यवस्था की गई थी, व्यवस्था के लिए क्या किया गया था, बातचीत की जा रही थी। तो इसमें क्या हुआ था कि 50 देश तथा उसके नेता व अंतर्राष्ट्रीय देश नेता प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इनकी सबकी क्या हुई थी, बैठक हुई थी इसमें अंतर्राष्ट्रीय टीका गठबंधन गावी में हुआ था ये। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन डेजर्ट चेंज क्या है। तो ये एक खुफिया ये क्या है, एक सैन्य खुफिया इनपुट है ऑपरेशन डेजर्ट चेंज। इसके थ्रू क्या हुआ था, राजस्थान में दो ऐसे सैन्य सिपाही थे जो कि सारी सैन्य खुफिया जितनी भी रिपोर्ट थी वो पाकिस्तान में पहुंचा रहे थे। तो राजस्थान पुलिस द्वारा क्या किया गया, उनको दंड दिया गया, किसके द्वारा, सैन्य खुफिया इनपुट के द्वारा, उनको पता चल गया था। तो इसके बाद में उनको दंड दिया गया। तो ये कहां से थे, कहां के थे ये दो सैनिक जो जयपुर में थे, मतलब सैन्य उसमें थे, अखाड़ों में थे, तो ये थे पाकिस्तान से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।